सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको वैदिक गणित का भाग 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। वैदिक गणित का भाग 3 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें वैदिक कल अपने पढ़ा था वैदिक उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग करना, घनफल ज्ञात करना, एकाधिकेन द्वारा, द्वंद्व योग विधि द्वारा। इसके बाद में आज अपन पढ़ते हैं वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल वैदिक विधियों से ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक तो भाग विधि और एक है द्वंद्व योग विधि। तो वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है 2116। किसका करना है? 2116 का। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं और इकाई साइड से दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। 21 16 है तो 16 का अलग और 21 का अलग। फिर 21 के नीचे ऐसी संख्या लिखते हैं कि उस संख्या को उस संख्या से गुणा करें तो उससे ज्यादा नहीं जाए। तो 21 है, इसके नीचे 4 गुणा 4 प्लस 4, 4 को 4 से गुणा करें 16 आएगा, 3 को 3 से गुणा करें 9 आएगा, 5 को 5 से गुणा करें 25 आएगा। 25 ज्यादा हो गया, 9 कम हो गया, इसलिए अपन कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 को 4 से गुणा करने पर कितना आता है, 16। अब 21 में से 16 घटाए तो कितना बचेगा, 5, और 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब 21 में 16 घटाए 5, अब अगला जोड़ा उतारते हैं। अगला जोड़ा कितना है विद्यार्थियों, 16। तो 16 लिख दिया तो ये संख्या बन गई 516। अब 8 के साथ लिख दिया 6 प्लस 6, 6 को 6 से गुणा किया 36, और 8 से 48 51। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखते हैं कि इससे गुणा से या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 लिखा, 6 से गुणा किया 6 6 36, या तो 6 तब आता है 4 को 4 से गुणा करते हैं या तब आता है 6 को 6 से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले 4 से गुणा किया, फिर 6 से गुणा करके देखा तो 6 से जो गुणा किया वो बराबर आया, इसलिए 6 लिख दिया। यहाँ पर जो 6 लिखा वो यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार 2116 का वर्गमूल आया 46। इसी प्रकार से 4225 है, कितनी है विद्यार्थियों, 4225। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। किस विधि से? द्वंद्व योग विधि से। तो 42 25, तो 2 के जोड़ा बनाया और ये 2 लाइन खींच दी। अब 42 है, इसके नीचे अपन कितना, किसका वर्ग लिख सकते हैं, 6 का या 7 का। तो 6 6 36, 749 तो ज्यादा होते हैं, इसलिए 6 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहां पर तो नीचे लिख दिया 6, यहां पर लिख दिया 36। अब 42 में से 36 घटाए तो बचेगा 6, 6 यहां पर लिख दिया तो 2 के आगे तो ये हो गई 62, 6 के आगे लिख दिया 2 तो ये हो गया 62, और यहां पर 6 यहां पर 6 और 6 का योग करते हैं तो ये हो गया 12। अब 12 का भाग दिया 62, 5 बार गया तो 5 लिख दिया नीचे और 2 बच गया, 2 को 5 के आगे लिख दिया तो ये हो गया 25, और एक संख्या है, एक संख्या का द्वंद्व योग करते हैं तो वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग 25, 25 में से 25 घटाया तो आया 0। इस प्रकार 4225 का वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से आया 65। कितना आया, 65। अगर विद्यार्थियों आपको विधि का नाम नहीं दिया हो तो आप दोनों में से जो विधि आपको उपयुक्त लगे उसी विधि से आप हल कर सकते हैं। इसके आगे है प्रश्न नंबर 3,
6889। तो तीन कॉलम ये बनाए, पहला दूसरा तीसरा, और संख्या को लिखी 68 और 89। अब 68 है, इसके नीचे किस संख्या का वर्ग लिख सकते हैं? 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो 8 का लिखा 8 × 64, तो लिख दिया 8 का वर्ग। 8 + 8, 8 × 64 गुणा किया तो 64 है, यहां पर लिख दिया 8। अब 68 में से 64 घटाते हैं, यहां पर देखो 4 है, 4 को इसके आगे लिख दिया 8 के, तो ये हो गया 48। यहां पर 4 8 और 8 को जोड़ते हैं तो ये हो गया 16। 16 का भाग दिया 48 में, 48 भाग 16, तो 16 भाग कितनी बार गया? 3 बार, तो 3 लिख दिया। अब ये भाग दिया तो 0 आया, तो 0 लिखा तो 9, और एक संख्या है तो एक का वर्ग कितना होता है? एक ही संख्या है तो 3, 3 का द्वंद्व योग करते हैं तो वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 9 घटा है कितना है? 0। अतः रूट 6889 का वर्गमूल आया 83। 6889 का वर्गमूल कितना है विद्यार्थियों? 83। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4, 590 49, तो 21 साइड से दो दो अंकों का जोड़ा बनाया, ये 49, ये 90 और ये 5। अब 5 में 5 के नीचे किस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि इससे अधिक न हो? तो 2 को 2 से गुणा करें 4, 3 को 3 से गुणा करें 9 अधिक होता है, इसलिए 2 लिख दिया। 2 से 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 + 4 हो गए 4। अब यहां पर 2 लिख दिया, ये 5 में से 4 घटाया 1, अगला जोड़ा उतार दिया 90। अब 4, अब यहां पर 5 लिखे 4 के साथ, तो ये होते हैं 45। यहां पर जो संख्या लिखते हैं उसी से गुणा करते हैं, उसी से गुणा करें तो ये होगा 525, ये है 190, इसलिए 5 तो लिख नहीं सकते, इसलिए अपन ने कितना लिखा? 4 लिखा। 4 को 4 से गुणा किया 16, 4 × 16 = 1, 16 × 17 = 176। अब 190 में से 176 घटाया तो ये आया 14, अगला जोड़ा उतारा 49, अब ये होगा 48, 14 और 44 और 4 48। यहां पर कितना लिखें कि इससे अधिक न हो? 3 लिखा, 3 की लास्ट इकाई का अंक कितना है यहाँ पर? 9, तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है, या 7 को 7 से गुणा करने पर 9 आता है, तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 × 9 = 8, 3 = 24, 12 + 2 = 14 हो गए पूरे 0, घटाया 0 आया, 3 ऊपर लिख दिया, तो 59 का रूट लिया तो ये आया 243। कितना आया? 243। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, 5 है 12 53 16 द्वंद्व योग विधि से, तो 12 अलग 53 16 अलग, पहले दो अंकों का वर्ग अलग लिखते हैं। अब 12 के नीचे 3 + 3, 3 × 3 9 होते हैं, तो 9 लिख दिया, 3 और 3 का जोड़ किया ये 6 लिख दिया, यहां पर 3। अब 12 में से 9 घटाए 3 बच गए, 3 को यहां पर 5 के आगे लिखा 35 हो गए, 35 में 6 का भाग दिया 5 बार गया, तो 5 यहां पर लिख दिया, भाग गया वो, और शेष कितना बच गया? 5, 5 को यहां पर लिखा 53 हो गए, 53 में 5 का वर्ग, एक संख्या है तो एक अंक का वर्ग होता है उसका वर्ग करें, तो 53 - 5 का वर्ग 28, तो 28, और 28 के अंदर भाग दो 6 का, 28 में फिर 6 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार, और
कितना आ गया शेष चार, चार को एक के आगे लिखा 41 हो गए, 41 और 54 का द्वंद्व योग करते हैं, दो संख्याओं का द्वंद्व योग करते हैं तो 2 × 5 × 4, 2 × 5 10, 10 × 4 40, 41 में से 40 घटाया 1, 1 16 हो गए। अब लास्ट संख्या है 4, 16 में से 16 घटाया तो कितना आया, 16 में से 16 घटाया तो कितना आया 0। तो द्वंद्व योग विधि से 12 53 16, 125316 का वर्गमूल निकाला तो ये आया 354, 152756। ये है 125316 का रूट निकला, 354 आया। इसी प्रकार से अगली संख्या प्रश्न नंबर 8, 15 22 756, इसका भाग विधि से तो सबसे पहले इकाई साइड से दो दो अंकों का जोड़ा बनाया, 56 का अलग, 27 का अलग, 52 का अलग, 1 का। अब 1 है तो 1 के नीचे कितना लिखेंगे, 1, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आया, 52 बच गए, 0 अगला जोड़ा उतार दिया, 52, 1 और 1 हो गए 2, 2 के पास यहाँ पर कितनी संख्या लिखेंगे, 52 से ज्यादा 9, अगर 1 लिखें तो 21, 2 लिखें 44, 3 लिखें 69, तो 69 ज्यादा हो गया इसलिए 2 लिख दिया तो ये होगा 44 दो बार, 52 में से 44 घटा दिया 8 और अगला जोड़ा उतार दिया 27। अब ये 22 और 2 24, 24 अब यहाँ पर कितना लिखें कि इसे अधिक 9, तो 3 लिख दिया, 3 लिख के 3 से गुणा किया, 3 3 9, 74। अब 17 में से 9 निकाल दिया 8, 3 12 में से 3 गए 9, 56 अगला जोड़ा उतार दिया, ये होगा 246। अब लास्ट अंक यहाँ पर कितना है 6, तो 6 कब आएगा, या तो 4 को 4 से गुणा करें या 6 को 6 से, 4 को 4 से गुणा किया तो 4 × 16, 6 × 24 25, 24 4 × 16 18 और 8 9, तो ये आया। इस प्रकार 15 22 756 का रूट लिया तो ये आया 1234। ये तो था विद्यार्थियों वर्गमूल द्वंद वैदिक विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, वैदिक विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। इसके आगे है वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, अब है वैदिक विधि से घनमूल ज्ञात करना। वैदिक विधियों द्वारा पूर्ण घन संख्या का, वैदिक विधियों द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले घन आना चाहिए कि 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन 8, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 कि किसी संख्या को 3 बार लगातार उसी संख्या से गुणा करें तो वो संख्या घन संख्या कहलाती है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो सूत्र होता है घन का, वो सूत्र लगता है ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो इसी प्रकार से क्रियापद चलते हैं, पहले 1 का क्यूब माइनस 3 लगाते हैं, फिर माइनस 3a² बी, फिर माइनस 3ab², फिर b का क्यूब। अगर इस प्रक्रिया में आगे 0 नहीं होता तो ये b है, ये फिर 3a² के पास यहाँ पर चली जाती है यह संख्या, और फिर दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर 68921 भाग विधि से क्रियाफल घनमूल ज्ञात करते हैं। तो घनमूल के लिए क्या करते हैं, एक सीधी लाइन लिखते हैं, खींचते हैं और इस प्रकार से ये आडी तिरछी रेखा खींचते हैं, 68921 लिखा। अब तीन घनमूल में तीन तीन के जोड़े बनते हैं तो 921 का अलग और 68 का अलग। अब 68 के नीचे किस संख्या का क्यूब लिखें, तो यहाँ पर 68 के नीचे मैंने ये देखा तो 64 का क्यूब, 4 का क्यूब लिखा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -4 क्यूब।
चार का क्यूब कितना आया? 64 विद्यार्थियों, 68 में से 64 घटा दिए, चार बच गए, अगला अंक उतारा। वर्गमूल में तो पूरा का पूरा उतारते हैं, लेकिन घनमूल में एक अंक उतारते हैं, तो 9, तो ये हो गया गुणनचास। अब माइनस तीन, सूत्र है माइनस तीन इंटू ए स्क्वायर, तो 4^2 × 1, 4^2 = 16, 16 को 3 से गुणा किया 48, 48 को कितने से गुणा करूं कि 49 से ज्यादा ना हो, तो 1 से गुणा करूं, तो इसलिए यहां पर कितनी संख्या आई? 1, तो 48 × 1 = 48, 1 लिख दिया ऊपर। अब 49 में से 48 घटाया, 1 बच गया, अगला अंक उतारा 12, 2, तो 12 हो गए। अब ये प्रोसीजर चलती है कि 4^3 है तो 2, फिर 1, फिर इसकी घात बढ़ती जाती है, तो माइनस तीन इंटू चार इंटू एक का वर्ग, तो 12 को 1 का वर्ग 1, 12 को 1 से गुणा किया -12 = 0, और अगला को उतारते हैं 1। अब यहाँ पर 1^2 के बाद में क्या आएगा? -1^3, तो 1 का क्यूब किया 1, तो 1 में से 1 घटाया 0। इस प्रकार विद्यार्थियों किसी भी संख्या का घन करते हैं तो इस प्रकार से पहले 1^3, फिर 3a² b, फिर 3ab², फिर b³, इस प्रकार से चलती है प्रक्रिया। इसी प्रकार से ये 314 और 432 का घनमूल, तो 314 432, 3-3 अंक 6 अंक हैं, तो 3-3 के 2 जोड़े बन गए, 314 और 432, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब 316 है, 14 है, इसके नीचे किस संख्या का क्यूब लिखा जा सकता है? तो 6 का क्यूब लिखा 216, 7 का क्यूब लिखा 343, 343 ये 314, इसलिए ये बड़ा है, तो ये 6 का क्यूब लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना लिखोगे? -6³, यहाँ पर 6 लिख दिया, 6 का क्यूब आप जानते हो 216 है, 216 लिख दिया, 314 में से 216 घटाते हो तो 98 बचता है, फिर एक अंक उतारा अगला, तो 984 होगी। ये तीन सूत्र है अपना 3a² b, तो 3 × a, 1 की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर 36 36 108, 108 को कितने से गुणा करें कि 984 से अधिक नहीं हो, तो यहाँ पर अपन 9 से गुणा करें तो 972 आता है, कितना आता है? 972। लेकिन फिर यहाँ पर कितना बचता है? केवल 12 बचता है, और अगले संख्या वर्ग करते हैं तो ये आता है 3 × 6 × 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 और 81 को 18 से गुणा करते हैं, 1458 आता है, जबकि ये 123 बचता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर जो संख्या आई उससे एक कम लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने कितना लिया? 8, इसलिए लिया, तो -3 × 6 का वर्ग × 8, 864, इसमें से घटाया 120, अगला अंक उतार दिया 3, -3 × 6 × 8 का वर्ग 64 को 18 से गुणा किया, 1152 आया, घटाया 52, 51 बच गए, अगला अंक 2, 512। अब -8 का क्यूब 512 होता है, -8 का क्यूब कितना होता है? 512, तो 314 432 का घनमूल कितना आया विद्यार्थियों? 68 आया, कितना आया? 68। इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। इसके आगे है प्रश्न नंबर 13, है 83, 65, 427, तो 2-2 के अंक, 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं, 427 का एक, 365 का एक, 8 का एक, तो 8 का क्यूब विद्यार्थियों 2 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा, -2 का क्यूब 2 लिख दिया, और ये हो गया -8, 8 में से 8 घटाया 0, अगला अंक उतारा 3। अब प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई, -3 × 1² तो -3 × 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 का 2 का वर्ग 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को कितने से गुणा करूं कि 3 से ज्यादा न हो, तो 12 को अपन कितने से गुणा करें कि 3 से ज्यादा न हो, तो इसलिए यहाँ पर अपन ने 0 से गुणा किया, किससे गुणा किया? 0 से, तो ये आया 0। अब 0, 3 में से 0 घटाया 3 बच गया, अगला उतारा 6, 36 हो गए, तो -3 × 2 × 0 का वर्ग 6, 6 को 0 से गुणा किया 00 आ गया।
अब 36 अगला अंक उतारा 5, तो ये हो गए 365। अब 0 की घात 1, 2, 3, 1 की घात 3, 2, 1, ये तो घटती जाती है और ये यहां से बढ़ना शुरू होती है, 1, 2, 3, 365, 0, 0 लिख दिया। अब 365 अगला अंक उतारा 4, 0 नहीं हुआ इसलिए अपन ये 0 है ये यहां पर लिख देते हैं और इस स्टेप पर दोबारा आते हैं, माइनस 3 और 2 के साथ 0 लिखा तो ये हो गया 20 का वर्ग। 20 का वर्ग विद्यार्थियों 400, 400 को 3 से गुणा किया 1200, 1200 को कितने से गुणा करें कि 36 चौवन से ज्यादा ना हो, इसलिए 3 से गुणा किया तो ये आया 3600। अब 3600 घटाया तो बच गया 54, तो अगला अंक उतार दिया 2। अब 3 गुणा 20 गुणा 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 3 2 54, 540। अब 540 घटाया बच गया 2, 27, तो माइनस 3 का क्यूब 27, 0, तो 203, तो 83 65 427 का घनमूल कितना आया 203 है। इसी प्रकार से है 848 96 64, तो दो दो के तीन तीन के जोड़े बनाते हैं 1 2 3, 664 का अलग, 489 का एक अलग, 8 का अलग, 8 के नीचे तो वही कि माइनस 2 का क्यूब लिखा 8, 2 लिख दिया, फिर 0 4, तो 3 गुणा 2 को स्क्वायर गुणा 0, 0 आ गया, 4 और 8 48 हो गए, फिर 3 गुणा 2 0 घात 1, 0 घात 2 होगी, 0 आ गया, फिर 489 0 घात 1, 2, 3 हो गई, 489 को 0 क्यूब 0, 489 और अगला अंक उतार दिया 6। अब ये 0 यहां पर चला गया तो ये हो गया 20, तो माइनस 3 गुणा 20 12, 40, 400 गुणा 3 1200, 1200 4 से गुणा किया 4800, तो यहां पर लिख दिया 4, 4896 बच गए। अगला को उतार दिया 6, तो 3 गुणा 20 गुणा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 16 थी 48, 48 को 20 से गुणा किया 960, तो बच गए 6 4 64। अब माइनस 4 का क्यूब, माइनस 4 का क्यूब होता है 64 और ये 64 ही आया, तो इस प्रकार से 0 आ गया, तो 848 96 64 का घनमूल कितना आया 204 है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 17 है 25 84 74 853। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तीन तीन अंकों का जोड़ा बनाते हैं, 853 का अलग, 474 का अलग, 258 का अलग। अब 258 के नीचे 6 का क्यूब लिखा, 7 का 343 होता है, 6 का 216, तो 6 का क्यूब लिख दिया 216। अब 258 में से 216 घटाए 42 बच गए, अगला अंक उतार दिया 4। अब माइनस 3 गुणा 6 का वर्ग 36 36 108, 108 को कितने से गुणा करूं कि 424 से अधिक न हो, तो 3 से गुणा किया तो ये कितना आया 324 बच गया 100, अगला अंक उतार दिया 7। माइनस 3 गुणा 6 गुणा 3 का वर्ग, 3 की घात 2, 3 और 1, ये घात बढ़ती गई 3 की घात 2, तो 3 गुणा 6 गुणा 3 का घात 2, इनको गुणा किया तो ये आया 162। अब 1007 में से 162 घटा दिया तो ये 845, अगला अंक उतारते हैं 4। अब 3 की घात 1, 3 की घात 2, अब 3 की घात 3, 3 की घात 3 का क्यूब आया 27, 8454 में 27 घटाया तो ये बच गया 8427, अगला अंक उतार दिया 8। अब माइनस 3 गुणा ये 0 नहीं आया तो 3 यहाँ से चला गया 6 के पास, तो ये हो गया 63, तो 63 का स्क्वायर 3 गुणा 63 और इसको कितने से गुणा करें कि 84278 से अधिक न हो, तो 7 से गुणा किया तो ये आया 83349। अब माइनस 3 गुणा 63 गुणा 7 का वर्ग, इनको गुणा किया तो ये आया 9261। अब 7 की घात 1 थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर घात कितनी हो गई 3, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, यहाँ पर बचा कितना शेष 343 में से 343 घटा दिए 0, तो विद्यार्थियों
25, 84, 74, 853 का घनमूल कितना आया? 637 है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, 86, 15, 125। तो 86, 15, 125 का तीन तीन का वर्ग जोड़ा बनाते हैं तो 125 का एक, 615 का एक, 8 का एक। अब 8 के नीचे तो माइनस 2 का क्यूब लिख दिया तो ये आ गया 8। 8 में से 8 घटाया 0, एक अंक उतारा 6। अब अगली स्टेप होगी माइनस 3 गुणा 1, 1 का स्क्वायर, 1 का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर गुणा। अब ये हो गया 4, 4 को 3 से गुणा करते हैं 12, 12 कितने से गुणा करें कि 6 से अधिक नहीं हो, इसलिए 12 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, तो 0 लिख दिया यहाँ पर। 6 घटाया तो बच गया। अब अगला अंक उतारा 1, 61 हो गए, माइनस 3 गुणा 2 और 0 घात 1, अब 0 घात होगी 2, तो 6 को 0 से गुणा किया 0, ये हो गया 615। अगला अंक उतारा तो अब 0 घात 1, 2 ये हो गई 3, तो 0 का क्यूब किया तो ये 30। अब 615 से आगे अंक उतारा 1, अब ये 0 नहीं हुआ तो ये 0 चला गया अभी यहाँ 2 के साथ, तो ये हो गया 20, तो माइनस 3 गुणा 20 का स्क्वायर गुणा 5, ये 400, 403 से गुणा 1200, 1200 5 से गुणा किया तो 6000, यहाँ पर लिख दिया 5। अब माइनस 3 गुणा 20 गुणा 5 का स्क्वायर किया तो ये आया 1500। अगला अंक उतारा ये 2, तो 1500, 12 के नीचे 1500, तो बच गए 12। अगला अंक उतारा 5, तो ये हो गया 125, 5 की घात 1, 5 की घात 2, तो ये हो गए 5 की घात 3, 125। इस प्रकार 86, 15, 125 का घनमूल है विद्यार्थियों 205। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।